नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा लोक हित पार्टी के सुप्रीमो व हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा ने आज सिरसा विधानसभा के लिए चुनाव की ताल ठोक दी। गोपाल कांडा आज अपने सैकड़ों समर्थकों और गाड़ियों के काफिले के साथ में रोड शो करते हुए सिरसा पहुंचे। यहां सिरसा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए गोपाल कांडा ने कहा कि आज रोड शो के माध्यम से उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है और लोगों के समर्थन और उत्साह से उन्हें लग रहा है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। मीडिया से बातचीत में पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा ने कहा कि उनका गठबंधन जनता के साथ है। वहीं किसी पार्टी के गठबंधन से इनकार करते हुए उन्होंने कहा वो हमेशा समाज हित के कार्यों को करते रहते हैं और जनता के लिए वो ऐसा ही करते रहेंगे और जनता की भलाई के लिए ही वे चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी उम्मीदवारों की जल्द ही घोषणा करेंगे। वहीं उनके कार्यकाल में जो भी योजनाएं अधूरी रह गई थी उनको पूरा भी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सिरसा को मुख्यमंत्री ने अपना आशीर्वाद नहीं दिया। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। किसी की बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी बात करता हूं कि अपने को जीत है अपने शहर के विकास की, अपने काम की, जो कि इन्होंने हमने पिछली बार भी बनाया एमएलए आपके सामने क्या हुआ, तो इसीलिए लोगों ने मन बनाया हुआ है कि जिनकी सोच, क्योंकि मैं कोई वादा नहीं करता, मैं नेक नियत के साथ और बुलंद इरादों के साथ आपके बीच के अंदर और आप सबकी सपोर्ट करने के लिए और शहर की आवाज को बुलंद करने के लिए विधानसभा में। चुनौती किससे है? चुनौती मैं किसी से नहीं मानता, चुनौती मैंने ना कभी किसी से मानी। क्योंकि देखो जी, अब ये जो मैं देख रहा हूँ आज, तो मुझे तो कुछ लग नहीं रहा कि जीत कितनी भी बड़ी जीत हो सकती है। इस तरह देखो, जो परियोजनाएं पेंडिंग है उन्हीं को पूरा करना है और पूरा शहर बड़ा बेताब है कि वो परियोजनाएं पूरी हो एक अच्छी सोच के साथ और बहुत ही सिरसा के लिए जो तन मन धन से सेवा करनी है उसके लिए हम तैयार हैं। गोपाल जी, क्या कोई गठबंधन हो सकता है किसी साथ या कोई पार्टी? देखो भाई, राजनीति में तो मैंने कहा कुछ भी संभव है, पर मेरा जनता के साथ मैंने आप सब भाइयों को बोला हुआ है कि ऐसा प्यारा गठबंधन है। अभी कुछ दिन पहले मुझे गोविंद ने फोन किया कि 2 महीने से पूरे शहर में बोर्ड लगे हुए थे और जैसे ही हमने अपने चुनाव के बोर्ड लगाए लोगों ने बोर्ड उतारने शुरू कर दिए। मैंने कहा कि लोगों बोर्ड उतार सकता है प्रशासन, सरकार बोर्ड उतार सकती है, पर लोगों के दिलों में जो गोपाल है और सरसावासी जो मेरे दिल में है उनको कोई नहीं निकाल सकता, उनको कोई नहीं निकाल सकता। काफी वाहन रोके गए, चालान काटे गए, क्या कहते हैं? देखो ऐसा है, ये हर तरह के किसी, ये तो हर रैली में हर ऐसे बड़े फंक्शन में होता है, पर हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। अब इतना बड़ा काफिला, इतना बड़ा कारवां है कि सब कुछ होगा बहुत जल्दी। अब मैं आपके बीच में सिरसा में ही हूँ, सब कुछ करेंगे। आज हमने आगाज किया है अपना कि हम तैयारी के साथ मैदान में आए हैं और बाकी जो भी आए हम तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, हम रैली भी करेंगे तुरंत। आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मानते हैं 5 साल में कितना विकास? भाई आशीर्वाद देते तो हम तो यात्रा को सक्सेस मानते हैं, हमारे सिरसा को आशीर्वाद नहीं दिया, सिरसा की जनता को पता है। ये गोपाल कांडा, गोपाल बोले अब तेरे को बस चाहिए हमको कांडा।